школа, часу мало маєш дійти, хочеш правди, мусиш знайти. बेटा उठ जाओ, तुम्हारा नाश्ता टेबल पर रखा है। वेरोनिका, बेटा उठो, मैंने कब से नाश्ता रखा है? बेटा तुम कल फिर से 5 बजे तक जगी थी, क्या इसलिए नहीं उठ पा रही हो? चलो मैं आज लेट नहीं हो सकती बेटा, मुझे बहुत जरूरी काम है, जल्दी करो। निका तुम सुन क्यों नहीं रही हो, जल्दी करो। निका, निका क्या हुआ है तुम्हें? अगर मैं लेट हुई तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा और फिर हमारा साल भर का खर्चा कैसे चलेगा? चलो उठ जाओ बेटा, उठो ना बेटा, सुन रही हो कि नहीं? निका, ओह गॉड, ओह गॉड, नहीं, निका, 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 निका बेटा, बेटा, हेलो, हेलो, शायद मेरी बेटी ने कुछ ड्रग्स ले लिए हैं, 15 साल की है, मेरा पता है कि केवीएस का बिल्डिंग 137, अपार्टमेंट 14, प्लीज जल्दी आ जाइए, निका, निका, तुम मुझे सुन रही हो बेटा? ओह गॉड, निका, बेटा प्लीज उठो, उठ जाओ बेटा प्लीज, निका उठो प्लीज, उठ जाओ बेटा प्लीज, उठ जाओ मेरी बच्ची। भाई कहाँ आ रहे हो? मुझे अर्जेंट जाना है। चल निकल, बाहर निकल, चल। बढ़िया, कूल। हाँ और दो। ले ले ले, आराम से आराम से। हजी सर। हेलो एलेंसी आर्थ मैम ना, गुड आफ्टरनून। कैसे हो तुम? तुम्हारी छुट्टी कैसी रही? बढ़िया, हर बार जैसी। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपको याद दिलाना चाहती थी, आज वैलेंटीना पावलिना का काम पर आखिरी दिन है, 2 बजे पार्टी है, आप आ सकते हैं। आप कुछ बोल सकते हैं, अगर नहीं बोलना चाहते तो मैं बोल दूंगी। नहीं शुक्रिया, मैं खुद बोल दूंगा। ओके, और आज इंग्लिश अकेडमी कॉम्पिटिशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करने का आखिरी दिन है, आपको क्या लगता है? हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, हमारे जीतने के कोई आसार ही नहीं है। पिछले हफ्ते मैंने 3 लड़कों से बात की थी जो फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। कोई भी स्कूल में काम नहीं करना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं, समझी? समायलो, ये काम स्कूल में नहीं घर पर किया करो। और तुमने ये क्या पहन रखा है? पाशा, संडे का गेम कैसा था? जीतने की बधाई दूं मैं? हाँ, उन्हें बच्चों की तरह धो दिया, 3-1 से जीते। वाह, बहुत अच्छे दोस्त, 3-2-1। लोला, तुमने सैटरडे को अपने ब्लॉग पर जो बातें कही वो मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मेरे ऑफिस में आना, हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? ओके, गुड बाय। क्रिस्टीना, कैसी हो तुम, अब ठीक हो? सुनिए ईयोर, हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। मैं तुमसे कह चुका हूँ अब कोई फायदा नहीं है, मैं निकल रहा हूँ। आप इस फैसले के बारे में प्लीज दोबारा सोचिएगा। इसे स्लीपिंग पिल्स कहाँ से मिली? पता नहीं, मैं नहीं जानती ये कहाँ मिलती है, मैं हमेशा काम पर होती हूँ, सब मेरी ही गलती है, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। देखिए, आप खुद को दोष मत दीजिए, ये वक्त गलतियाँ ढूंढने का नहीं है, हमें आपकी बेटी को बचाना है, हम आपकी मदद करेंगे। आप इसे कहाँ ले जाएंगे? ICU में ले जाएंगे, प्रे कीजिए कि हम वक्त पर पहुँच जाएं।
आप हमारे पीछे आइए, एम्बुलेंस में जगह नहीं है। चलो तानिया डियर। हाय, मैं बोल रही हूँ। बिल्कुल नहीं, शायद अब मैं अमीर हो जाऊं। एक बात बताओ तानिया, क्या तुम अब भी नौकरी ढूंढ रही हो? हमारे साथ काम करोगी? हमारे एक बहुत अच्छे वर्कर आज रिटायर हो रहे हैं, तो शायद मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूं। अरे कम ऑन, डायरेक्टर को कुछ अप्रूव नहीं करना, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि सारे फैसले मैं ही लेती हूँ। हाँ, मेरा मतलब यही सच है। एक सेकंड रुको। गरीना पेट्रोविना, मैं अंदर आऊं? ओ लेसिया, मैंने तुम्हें नॉक करते हुए नहीं सुना। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद हम बात करते हैं। प्लीज वेट। मुझे माफ करना। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, यकीन करो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन है? चुप क्यों हो? बताओ कौन है? कौन है बताओ? मैं हूँ नाता। वो आवाज कैसी थी नाता? मेरा फोन बज रहा था। ओह माय गॉड, नॉर्मल रिंगटोन नहीं लगा सकती क्या? आजकल के बच्चे ना, कुछ समझ नहीं आता इनके बारे में, तो हर कोई मोबाइल लेके घूमता है। A beautiful lady, unmarried, stand all alone in the subway. Oh, कितना अच्छा गाना है ये। Hello mom, मैं भी बात नहीं कर सकता। माँ मैंने कहा ना, भी बात नहीं कर सकता। Okay bye. वही रुको नाता, है ना? मैं बस क्या, यहाँ कुछ नियम है। अब चलो प्रिंसिपल के पास चलो। चलो जाना तो पड़ेगा, क्या सोच कर आए थे यहाँ पर? चलो चलो चलो, प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ। ललिता, आज का मौसम कैसा है? ललिता प्लीज। ओलेन, सेमिना, प्लीज मदद करो। लेमोस, बचाओ जल्दी, बचाओ, प्लीज मदद करो प्लीज। और ये कट, ये सांस नहीं ले रही है बेवकूफ। अंदर चलो। प्रिंसिपल सर देखिए जरा, इसकी हिम्मत तो देखो। इसे लेडीज वॉशरूम में पकड़ा है मैंने, और ऊपर से मुझसे ये लड़की की टोन में बात कर रहा था, और अपना नाम नाता बताया। सोच सकते हैं आप? नजर रखने के लिए शुक्रिया, और अब बैठिए। मरिया पवलिवाना, इनसे मैं बात कर लूंगा, आप जा सकती हैं। थैंक यू। वैसे सर, आप आ रहे हैं ना आज? मैंने आपकी मनपसंद पाई बनाई है, तो आपको आना ही पड़ेगा, है ना? ठीक है ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। आइए जरूर। हाँ तो सैन, तुम लेडीज रूम में क्यों गए थे और लड़कियों की आवाज में बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन लोगों ने मुझे मेंस रूम में जाने नहीं दिया, और मुझे बहुत अर्जेंट जाना था, और उनके बाद मारिया अंदर आ गई।
आप देखिए, मैं किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहता था। उन्होंने मुझे पूछा कि कौन है, तो मैंने कहा कि मैं नाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई की कदर करता हूँ, पर अगली बार प्लीज ठीक जगह पर जाना, समझे ना? हाँ। ओ सर, आप यहाँ है? उलीना सेमेनिवना वो सांस नहीं ले पा रही। मैरी हनी, मुझे सोने दो प्लीज, डिस्टर्ब मत करो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। हेलो डैड। अभी भी सोए हो? अरे नहीं, मैं तो काफी देर पहले उठ गया था, अभी जॉगिंग करके आया बस। यहाँ कोई परेशानी हो गई है, मुझे लेने आ जाओ। नहीं देखिए, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, आप टैक्सी बुला लीजिए ना, मुझे क्यों बुला रहे हैं आप? मुझे ठीक नहीं लग रहा। ओके 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 ओके, आ रहा हूँ। ओके गुड बाय। I'm sorry दोस्त, मैं देर से उठा, गलती मेरी है, पर आई प्रॉमिस तुम्हारे लिए कुछ खास करूंगा। मैं सुन रही हूँ बॉयस, आपकी वजह से किसी की जान जा सकती थी, अब क्या करूं? या तो मैं पुलिस को बुलाऊं या फिर तुम्हारे पेरेंट्स को, हमें क्या करना चाहिए आप बताइए। अरे नहीं, बारिश शुरू हो गई। क्या बारिश, तुम देखते जाओ, बहुत वक्त से हमारी वीडियो कोई लाइक नहीं करता था। मेरे ख्याल से तुम्हें वो अपलोड नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इंग्लिश टीचर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। डरपोक मत बनो, टीचर्स सबको परेशान करते हैं, इस वीडियो पर कम से कम 10,000 लाइक जरूर आएंगे। सबको नहीं करते पाशा, एक बात जरूर याद रखना, लोग 3S में इंटरेस्टेड हैं, स्लीप, सेक्स और स्कैंडल्स। ओ कम ऑन पाशा, और वैसे भी मुझे एक एड कॉन्ट्रैक्ट मिला है हेयर ड्रायर्स के लिए। और इस सबका टीचर से क्या लेना देना? नथिंग टू बी पर्सनल पाशा, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे स्पॉन्सर्स उतने ज्यादा ही पैसे देंगे हमें, सोच लो। वो उन्हें किस हॉस्पिटल में लेकर गए? एलेक्स प्लीज सवाल पूछना बंद करो, ऐसा लंबे वक्त तक नहीं चल पाएगा। ऑफ कोर्स, मैंने आपको हजार बार कहा है कि ये बेकार की नौकरी छोड़ दीजिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अपने उस गुफा में हर शाम शराब पीने के अलावा कुछ और भी काम करना चाहिए। वो बार है डैड, बार जिसका नाम थ्री ट्रम्बलर्स है। देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, जब तक मैं अमेरिका वापस नहीं जाता मेरी लाइफ शुरू नहीं होगी। और अगर तुम कभी भी वापस नहीं गए तो फिर? मैं वापस जाऊंगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुड डे। हेलो। गुड डे। हेलो। ग्लैड टू सी यू। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना बेवकूफ, बोलो दी थी या नहीं? दी थी। आवाज नहीं आ रही? दी थी। और जोर से बोलो, दी थी। गुड, अपना सामान लो और चलो, पूरी रात जेल में गुजारना और सोचना भविष्य में क्या करना है। बस कीजिए पेट्रो, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? है तो आखिर बच्चा ही ना, उसने गलत मजाक कर लिया, मैं समझती हूँ, पर गलतियाँ कौन नहीं करता। मजाक? मैंने पुलिस की नौकरी इसलिए नहीं चुनी कि मेरे ही घर में छोटे छोटे बच्चे क्रिमिनल बन जाए। चलो अब। एक्सक्यूज मी। ऑल द बेस्ट। इसकी जरूरत पड़े तो मुझे बताना। अरे पेट्रो एक मिनट। हाँ? हमें एक नए गार्ड की जरूरत है। ठीक है, हो जाएगा। थैंक यू। चलो अब, औरतों को डराते वक्त तो तुम लोग हीरो बन जाते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा का इंतजार कर रही हूँ, अगर आज रात तक तुम्हारे पापा नहीं आए तो तुम भी अपने साथी के साथ जेल पहुँच जाओगे, समझ में आ रही है मेरी बात? अपने पापा को फोन करो अभी। गाड़ी में जाकर बैठो और इंतजार करो। डैड ऐसा दोबारा नहीं होगा। क्या कहा मैंने? जाओ बैठो गाड़ी में। देखो मैं अपने बेवकूफ बेटे को लेकर आ रहा हूं, इस जोकर ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, सेल तैयार रखो, उसे वहां अकेले रहने देना, समझदारी से काम लेना, पर उसे खाना खिला देना, ब्रेड जैसा कुछ दे देना, थोड़ा सा सूप, उसे ये सब कहना मत। ओके बॉय। Thank you.
मैडम पागल खाना उस तरफ है। गेट लॉस्ट। देखो मैडम, मेरी गाड़ी में एक बीमार इंसान है, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। चाहो तो शैतान को भी बुला सकते हो। पागल औरत, पता नहीं खुद को क्या समझती है। क्या बात है बेटा? छोटा सा स्क्रैच है, ठीक हो जाएगा। पार्किंग की जगह ढूंढ लो। इंश्योरेंस कंपनी से क्या कहूंगा? यही कि पार्किंग लॉट में गाड़ी पर स्क्रैच लगा। आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ आप उसे वक्त पर ले आई। हमने स्टमक क्लीन करके सारी पिल्स निकाल ली हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सब ठीक है। पर क्योंकि ये सुसाइडल अटेम्प्ट था, इसलिए हमें उसे साइको न्यूरोलॉजिकल वार्ड में रखना होगा, आप समझ रही हैं ना? सुनिए, वो सुसाइड नहीं है, मैं वाकई सच कह रही हूँ। बस कल हमारा झगड़ा हो गया था क्योंकि वो बहुत देर तक इंटरनेट पर टाइम पास कर रही थी। मैंने उससे कहा कि कंप्यूटर बंद कर दे, उसने मुझे डराने के लिए ये सब किया है, और कुछ भी नहीं, मैं सच कह रही हूँ, यकीन कीजिए। मुझे लगता है बात सिर्फ कल के झगड़े की ही नहीं है। प्लीज मुझे बताइए, क्या आप अपनी बेटी से अक्सर उसके स्कूल की लाइफ में हमेशा बात करती हैं? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है। क्या स्कूल में बच्चों से उसका कोई झगड़ा हुआ है? मैंने आपसे कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो ये सब पहली बार पता चल रहा है। देखिए आप अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। वो कई बार अपनी नसें काटने की कोशिश कर चुकी है, उसकी कलाई पर बहुत से निशान हैं, और कुछ तो बिल्कुल फ्रेश हैं। खुद को संभालिए, आपको पानी चाहिए? और कैसे, नहीं मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता था, अब मैं क्या करूंगी? देखिए पहले तो आप शांत हो जाइए, और आपको अपनी जिंदगी बदलनी होगी, और अपनी बेटी को मेडिकल ट्रीटमेंट देना होगा। वो बीमार है, मुझे लगता है उसे नर्वस डिसऑर्डर है, और इसीलिए वो सुसाइडल कैरेक्टर है। वो बीमार नहीं है, वो बीमार नहीं है। देखिए आपको कुछ स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना होगा, आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, नहीं तो इसका अंत बहुत ही बुरा हो सकता है। आप मेरी बात समझ रही हैं? मैं उसकी मदद कैसे कर सकती हूँ, बताइए मुझे, मुझे उसे बचाना है। मैं नहीं जानती दूसरे स्पेशलिस्ट आपसे क्या कहेंगे, पर मुझे लगता है आपको अपने आसपास का माहौल बदलना होगा। सबसे पहले तो बेटी को दूसरे स्कूल में दाखिल करवाना होगा, ओके? और उसका पूरा ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस बार वो बच गई है, पर अगली बार कुछ भी हो सकता है। वो बीमार नहीं है। डैड अब यहीं पर रुकिए, मैं देखता हूँ कि वो टीचर कहाँ पर है। क्या नाम है उनका? एलेना सेमेनिवाना कोटेंस्को। थैंक्स साशा। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। अमेरिकन फिल्मों का मासूम सा सवाल पूछता हूँ, आर यू रियली ओके? नहीं, आज मैंने अपनी बेटी को खो ही दिया था, उसने कुछ गोलियां खा ली थी। आई एम सो सॉरी। क्या उम्र है उसकी? 15 साल की है। मुश्किल उम्र है, माँ बाप चाहे कुछ भी कर ले, काफी नहीं होता। बात यह है कि मैंने कुछ भी नहीं किया उसके लिए। मैं बहुत ही कम उम्र में माँ बन गई थी, सुबह से रात तक काम करती थी ताकि अपनी बच्ची की जरूरतें पूरी कर सकूं और उसे वो सब दे सकूं जो वो मेरे पास से चाहती है। तो उसकी छोटी छोटी खुशियों के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। शरारतें, किताबें, कहानियां, एक वक्त पर ऐसा लगा कि जैसे उसके और मेरे बीच में कुछ बचा ही नहीं। यकीन माने मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं।
कभी कभी वो माएं जो अपना पूरा वक्त घर पर गुजारती हैं, वो ये भी नहीं जानती कि उनके बच्चे इस भरी दुनिया में आखिर करते भी क्या है। थैंक यू। आप I'm sorry, मुझे पार्किंग लॉट में इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं बस अपनी बेटी को लेकर टेंशन में थी। कोई बात नहीं, मैं माफी चाहती हूँ, शायद मेरी वजह से आपकी गाड़ी डैमेज हो गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यू डोंट वरी अबाउट इट। आपका जो भी खर्चा है वो मैं उठा लूंगी। मैं अक्सर ऐसा नहीं करती हूँ, पर ये रहा मेरा कार, अगर आपका मन बदल जाए तो मुझे बताइएगा। थैंक यू। बैठ जाओ ललिता। आज का मौसम कैसा है? ओए सेविना, प्लीज मदद करो, मैं बचाओ जल्दी। मेरी तो समझ नहीं आ रहा है, क्यों ये लोगों को क्यों पसंद नहीं आ रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो क्या लिख रहे हैं कि तुम कितनी बेवकूफ हो, बहुत बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे हैं। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। नहीं नहीं, वो एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, वो टीचर बहुत अच्छी है, मैं बस कहने ही वाली थी। प्लीज मुझे गलत मत समझो, प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या बात है? हेयर ड्रायर्स का कॉन्ट्रैक्ट गया, वो मेरे साथ ऐड नहीं करना चाहते, इस वीडियो की वजह से डील कैंसिल कर दी। तो क्या परेशानी है, उसे डिलीट कर दो, बात खत्म। मैं उसे ऐसे डिलीट नहीं कर सकती, मैं एक ब्लॉगर हूँ, मेरे 2,00,000 फॉलोअर्स हैं, अब मैं क्या करूँगी? ये सब कितना स्टूपिड लग रहा है। अब तुम कुछ नहीं कर सकती, और वैसे भी वीडियो वायरल हो चुका है, लोग उसे बहुत बार देख चुके हैं, बहुत कमेंट भी कर चुके हैं, अब मैं क्या करूं? शांत हो जाओ, रास्ता निकाल लेंगे हम। पाशा ये एक छोटी बात नहीं है, अगर उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया तो मैं क्या करूंगी? तुम समझ नहीं रहे हो। मैं सब कुछ संभालूंगा। डैड क्या हो गया आपको, दिल में दर्द हो रहा है? कैसे नहीं होगा, हमारे स्कूल ने इंग्लिश एकेडमी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई किया है, और हमारी टीचर यहाँ हॉस्पिटल में है, अब मैं उसकी रिप्लेसमेंट कहाँ से ढूंढू? नहीं डैड, बिल्कुल नहीं, मेरा और स्कूल का तालमेल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कभी नहीं कहते। देखिए डैड, अपील के लिए मुझे इन पेपर्स पर बहुत ज्यादा काम करना है। तुम बस बच्चों को नापसंद करते हो। इसका बच्चों से क्या लेना देना है, मैं बस नहीं करना चाहता, बात खत्म। नहीं बेटा, मैं तुम्हें खुद को समझने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। ओके ओके, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, अब खुश? जब तक एकेडमिक कंपटीशन है और आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाती। ओके नहीं, रहने दो, तुम्हें परेशानी होगी, मैं नहीं। डैड आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं मैनेज कर लूंगा। लोला क्या हुआ तुम्हें, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होगा। कैमरा ऑन करो। पर क्यों? YouTube पर सब लोग अभी पार्कर देख रहे हैं, लाखों लाइक्स, करोड़ों चैनल्स, किसी तरह का स्पोर्ट है। और इनका पार्कर से क्या मतलब है? मैं अभी कुछ करने वाला हूँ, तुम इसे रिकॉर्ड करो, अपलोड करो और उसके कैप्शन में लिखो, शॉकिंग, एवरीवन मस्ट वॉच दिस वीडियो, सम क्रेजी पार्कर, इसकी वजह से सब लोग टीचर के बारे में भूल जाएंगे। कम ऑन, मैं एथलीट हूँ, एक मिनट।
देखिए मैं जानती हूँ वो मजाक था, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, पर वो टीचर हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल में है। मेरे पास आपके बेटे को आज स्कूल से निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मिस्टर हावरलो, मुझे आपका बेटा बहुत अच्छा लगता है। वो स्मार्ट है, समझदार है और हमेशा नई और दिलचस्प चीजें इन्वेंट करता है, और सच कहें तो अपने बचपन में कौन शरारत नहीं करता। लेकिन अब मुझे मिनिस्ट्री से इंस्ट्रक्शंस आए हैं और मैं इन्हें अनदेखा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं माफी चाहता हूँ, और इस टीचर की भी जिनको नुकसान हुआ है, मैं उनकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। उनके हॉस्पिटल का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, आप प्लीज उन्हें ये बात बता दीजिए। मुझे खुशी है कि आप इस तरह सोच रहे हैं। अगर मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो प्लीज बताइए मुझे, पर नजर को अपने स्कूल से मत निकालिए कम से कम इस साल के लिए। कुछ ही समय में उनके एग्जाम्स भी आने वाले हैं। पर आप भी समझिए, ये पूरा फैसला अकेला मेरा नहीं है, मुझे प्रिंसिपल और मैनेजमेंट से बात करनी होगी। मैं कोशिश करूंगी, मैं आपसे कोई वादा नहीं कर रही। देखती हूँ क्या होता है, जो कुछ होगा मैं आपको बता दूंगी। ए, रुको! ये सब क्या हो रहा है लोला? नेता भागो भागो! रुको लोला, नेता बताओ तो। देखिए रैड, मैं स्कूल कल से आऊंगा, अभी मुझे इसके साथ पुलिस स्टेशन जाना है, ये काम ज्यादा जरूरी है। आशा, क्या हुआ है? जाने दो उसे, मेरे ऑफिस आओ और वहां इंतजार करो, और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी कलीग से मिलवा देता हूँ। वैसे आज आप इतने उदास क्यों हैं एंटोन? खुशी का कोई कारण नहीं, होलेना मैम हॉस्पिटल में है, बच्चे आए दिन अपनी हदें पार कर रहे हैं, इंटरनेट के अलावा उनके पास और कोई काम ही नहीं। जो भी हो, बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं और मैंने ओलिना से कहा है कि वो अपने दिल का चेकअप करवा ले, पर कार्डियोग्राम कराने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं है, कोई कितनी बार उसे कहेगा, खुद से समझना चाहिए। ठीक कहा, मुझे माफ करना। नहीं, सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब हम दोनों बस अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। लेसिया, तुम्हें क्या चाहिए था बताओ मुझे? मुझे एक्चुअली क्लासरूम के लिए नया इक्विपमेंट चाहिए था, मुझे 5 माइक्रोस्कोप्स और एक स्केलेटन चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास है वो 5 माइक्रोस्कोप्स और एक स्केलेटन। लेसिया, तुम्हें पता है कि मेरा बजट काट दिया गया है? नहीं, आप नहीं जानती ना। और एक बात और बता दूं आपको, मेरे सामने ये बात आकर खड़ी हो जाती है कि मैं गरीब बच्चों को खाना खिलाऊं या फिर अपने स्कूल के लिए कुछ नया खरीद लूं। मेरी सामान की लिस्ट 1 किलोमीटर लंबी है, आईटी टीचर को कंप्यूटर चाहिए, अब ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए, मेरा सर घूम रहा है। हाँ, मैं समझ गई। तो फिर आप ही बताइए। पता है मेरे पास एक आइडिया है, मेरे ख्याल से आपको अपने पति से बोलना चाहिए, एमपी है ना, क्योंकि उनके पास तो मुझसे ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, है ना, क्योंकि अगर वो अपनी पत्नी के लिए लेक्सस खरीद सकते हैं तो वो उनके स्कूल की भी थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकते हैं। लेसिया, क्या आप उनसे पूछेंगी? प्लीज पूछना। एंजॉय द पार्टी। मैंने पाशा को गाड़ी की पहियों के नीचे से शूट किया है, आई होप बहुत सारे लाइक्स आएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे लगा गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाएगी। अच्छा, ऊपर से? क्या बात कह रही हो, अगर ऐसा हो जाता तो सच में बहुत अच्छा होता। सुनो सभी दोस्तों, मैं आपको अपने नए कलीग से मिलवाना चाहता हूँ, जो कि कुछ वक्त के लिए ओलिना सेमेनिवाना की जगह लेंगे जब तक वो यहाँ पर नहीं है। यह है मेरा बेटा अलेक्जेंडर। आप मुझे एलेक्स बुला सकते हैं। अलेक्जेंडर आयरोवाइट। दोस्तों, ये स्कूल में नए हैं, हालांकि इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं क्योंकि ये अमेरिका में काम करते थे और वहीं रहते थे। मैं फिर भी आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इनको यहाँ हमारे स्कूल में रहने में आप इनकी मदद करें, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, कंपटीशन के लिए अप्लाई कर दो जिसके बारे में हम सुबह बात कर रहे थे। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं कर देती हूँ।
अच्छा सुनिए इयोर, मैं नहीं जानती थी कि आपका इतना अच्छा बेटा भी है। बिल्कुल आप पर गया है। थैंक यू वैलेंटीना, माफ कीजिएगा कि मुझे मैनेजमेंट की बातों से बात शुरू करनी पड़ी है, पर कोई बात नहीं। ठीक है, सुनो दोस्तों, आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हैं ताकि हम आपको उन सभी चीजों के लिए शुक्रिया अदा कर सके जो आपने स्कूल के लिए किए हैं। हमें आप पर गर्व है। वेल, हुरे माय फ्रेंड्स। हेलो, मैं हूँ ओल्गा, स्कूल नर्स। आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि मुझे कभी डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े। पहले सब यही कहते हैं पर एक दिन उन्हें मेरी जरूरत पड़ती ही है। हेलो, हाँ किटी, क्या? हाँ मैं आ रही हूँ। वेरोनिका हॉस्पिटल में है, ऊपर वाला ही जानता है कि वो वहाँ कब तक रहेगी, और अब उसे अपने पुराने स्कूल से निकाल कर नए स्कूल में डालना होगा क्योंकि अब वो अपने पुराने स्कूल में नहीं रह सकती। और ये बात मुझे उससे पता नहीं चली बल्कि एक साइकाइट्रिस्ट से पता चली। किटी शांत हो जाओ, याद करो जब तुम उसकी उम्र की थी तुम कैसी थी, तुम भी तो नहीं बताती थी। हाँ नहीं बताती थी, ऐसा लगा कि जैसे उसके और मेरे बीच भी कुछ बचा ही नहीं। तुम जानती हो डॉक्टर ने मेरे मुंह पर भी ये कह दिया कि ये सारी गलती मेरी है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये सब दोबारा हो सकता है, इसीलिए मुझे उसके पास ही रहना होगा, जितना हो सके उसे वक्त देना होगा। किटी, वेरोनिका एक बच्ची नहीं है जो तुम्हें सब कुछ आकर बताए, वो 15 साल की है और इस उम्र में ऐसा ही होता है। नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत हो गया, ये सब कुछ उसकी जिंदगी से बढ़कर नहीं है, मुझे हर वक्त उसके साथ रहना होगा, पर कैसे? अरे एक मिनट, तुम इकोनॉमिस्ट हो ना? हमारे यहाँ एक टीचर रिटायर हुआ है तो क्यों ना तुम उसकी जगह हमारे स्कूल में आ जाओ, फिर वेरोनिका को भी यहीं एडमिशन दिलवा देंगे ताकि तुम उस पर नजर रख सको, कितना अच्छा हो जाएगा, क्या कहती हो? पहली बात तो ये कि मुझसे एक बच्चा ही नहीं संभाला जाता, और दूसरी बात कि मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है। तुम उसकी फिक्र मत करो, सेरियोविच से बात करते हैं ना, वो प्रिंसिपल है हमारे, वो बहुत अच्छे इंसान है। तुम सैलरी के बारे में जानती हो ना? मैं अभी उनसे बात करती हूँ, ठीक है? देखो अभी वो बात जरूरी नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, रुको। बोलो पाशा, मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा हूँ। मुझे माफ कर देना सर। बात माफी की नहीं है पाशा, तुमने ऐसा किया ही क्यों? तुम स्मार्ट लड़के हो और तुमने अचानक ऐसा कर दिया। मुझे करना पड़ा। करना पड़ा क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एक वीडियो की जरूरत थी, और अगर तुम मर जाते तो कोई गाड़ी तुम्हारे ऊपर से गुजर जाती तो तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ और भाई का क्या होता, इस बारे में सोचा है तुमने? हेलो ओलिया, कुछ जरूरी बात है? नहीं टीचर, वो जानती है सैलरी कितनी मिलेगी? अच्छा ठीक है आने दो उन्हें, हम बात करते हैं। ये हमारे बीच की बात है पाशा, तुम अपने घर के बड़े आदमी हो और तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, और ना ही ललिता की सनक के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मेरी बात समझ सकते हो तुम पाशा? हाँ मैं समझ रहा हूँ, ऐसा दोबारा नहीं होगा। नजर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। अगर कोई तुम्हारी दादी के साथ मजाक करता है और उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आता है और हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो तुम क्या करते? उसका मुंह तोड़ देता? बहुत अच्छे, एक टीचर के लिए यह कहना ठीक नहीं होगा, पर फिर भी मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। बदकिस्मती से मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि टीचर के लिए यह ठीक नहीं है। बाय द वे, ओलिना मैम के परिवार में बस एक बिल्ली है और वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अब मैं हॉस्पिटल जाता हूं, आज हम साथ में नहीं पढ़ पाएंगे, पर आप सब लोग रुक जाइए, आपका इंग्लिश का लेक्चर होगा, एक्स्ट्रा लेक्चर। हे एंटन सर, रुकिए, हम भी आपके साथ चलेंगे, हमें इसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है।
आशा तुम मेरे हीरो हो। ये वीडियो सेमी निवना से भी ज्यादा बार देखी जा चुकी है, बहुत अच्छे। आई लव यू। मुझे खुशी है कि तुम्हारे काम आया मैं। दोबारा ऐसा मत करना वरना तुम्हें सीधे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। टीचर्स रूम कहाँ पर है? कॉरिडोर से सीधे जाकर लेफ्ट मुड़ जाइएगा, राइट में पहला दरवाजा, वहीं पर आपको मिल जाएगा। इहोर सरयोज, आपके पास जब भी नई टीचर से बात करने का वक्त हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। कौन सी नई टीचर? इकोनॉमिक्स की है, मैंने उससे बात कर ली है और वो अगले हफ्ते से काम भी शुरू करने के लिए तैयार है। हेलो मैम, अभी एक औरत का इंटरव्यू लेने वाला हूँ, वो भी इस नौकरी के लिए अप्लाई कर रही है। गुड मॉर्निंग। कौन सी औरत? मैं उसे जानती हूँ। अगर आप हमारे शहर के सारे इकोनॉमिक्स टीचर्स को जानती हैं। एक बात सुनो, हम ऐसा करते हैं, मेरे ख्याल से आप पहले से ही एग्रीमेंट कर चुके हैं, पर मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, तो मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ और नौकरी पर किसे रखना है वो फैसला हम उसके बाद ले लेंगे। और हाँ, आप मेरे बेटे को हमारे स्टूडेंट से मिलवा दीजिएगा। आप इस काम में अच्छी हैं, सब कुछ बता दो। ठीक है, क्या वो आपके ऑफिस में? नहीं, वो टीचर्स रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। हेलो, हेलो। ये भी क्या मीटिंग थी? एक बार फिर से हेलो। तो आप टीचर हैं, बैठिए ना। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं स्कूल टीचर नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी टीचर हूँ। ये रहा मेरा डिप्लोमा। इसका मतलब हम लक निकले। आपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यूनिवर्सिटी से निकलते ही मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली थी, मुझे अपनी बेटी को खाना खिलाना था, और इतने सालों से मैं अपने खुद की कंपनी मैनेज कर रही हूँ जो मेटल्स के खरीद और सेल करती है। और आप हमारे स्कूल अपनी बेटी की वजह से आई है, यही बात है? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि वो भी आपके स्कूल में ट्रांसफर हो जाए और मैं हर वक्त उस पर ध्यान दे सकूँ। अगर आप मुझे टीचर ना भी बनाए तो मैं जेनिटर बनने को तैयार हूँ, फर्श धोने को तैयार हूँ, पर मुझे उसके पास रहना है, मैं उसे खो नहीं सकती। उसका ध्यान रखने के लिए आपके परिवार में कोई सदस्य नहीं? मेरे पेरेंट्स बहुत दूर रहते हैं और उसके पापा तो पहले ही गुजर चुके हैं। अब ऐसा कीजिए, हमारे स्कूल में काम करना शुरू कर दीजिए कल से, और अपनी बेटी के डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। गुड मॉर्निंग। बाकी के लोग कहाँ हैं? वो हमें रिपोर्ट नहीं करते। बैठ जाओ। अगर आप लोगों को इतना ही ख्याल है तो अपनी किताबें खोलिए। ये है ओलेक्सेंडर, आपके इंग्लिश के नए टीचर। जब तक ओलेना हॉस्पिटल में है तब तक ये पढ़ाएंगे। आज के लिए आपका होमवर्क क्या था? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? नाजार, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अपनी सीट पर बैठो। और तुम लोग क्या देख रहे हो? हाँ, चलो चलो चलो। और अपने दोस्तों को बता दो कि अगले हफ्ते से तुम लोगों की इंग्लिश की एडिशनल क्लासेस होंगी, ठीक है? ओके। ठीक। गुड। गुड बाय मैम। गुड बाय। तो देखा तुमने ओलेक्सेंडर? आप मुझे एलेक्स बुला सकती हैं, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे। हाँ तो एलेक्स, बच्चे जानवरों की तरह होते हैं, आपको उन्हें हर दिन ट्रेनिंग देनी होती है और ये याद दिलाना होता है कि बॉस कौन है। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी।
बोलो क्या बात है? देखिए सर, ये आइडिया मेरा था, वो स्टूपिड मजाक, और तोखा ने बस उसे मेरी मदद करने के लिए बोला। तो तुम्हारे दोस्त का अपना खुद का दिमाग नहीं है? वो बस मेरा अच्छा दोस्त है, उसे जाने दीजिए प्लीज। हम हॉस्पिटल जाकर ओलेना मैम से माफी मांग लेंगे, और फिर गलती मेरी है, सजा मुझे मिलनी चाहिए। वापस आकर मुझे अरेस्ट कीजिए। तुम्हें लगता है ये बच्चों का स्कूल है? जब मन किया अरेस्ट किया, जब मन किया छोड़ दिया। प्लीज सर, उनकी भूखी बिल्ली घर पर अकेली है, मैं उसके खाने के लिए पैसे दूंगा, और जब तक वो हॉस्पिटल में है मैं उसका ख्याल रखूंगा। उनकी बिल्ली? तुमने उस जानवर के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? वो अनाथ भी हो सकती थी। ठीक है, पर अगर मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल नहीं गए। नहीं नहीं, हम अभी जा रहे हैं। थैंक यू, बाय। ओलेना मैम, मैं किसी और चीज में मदद कर सकता हूँ? आपकी बिल्ली का ख्याल रख सकता हूँ? थैंक यू सो मच। बस आप कहिए। कैसे हैं मैडम? तुम सब कितने अच्छे हो। ओह थैंक यू बेटा। मैम ये आपके लिए है। हेलो, कैसे हो मैम? आपकी तबीयत आपके लिए है? तबीयत कैसी है आपकी? ये आपके लिए, ये आपके लिए। आप ठीक है ना? आप ये सब लाने की क्या जरूरत थी? हमारा मार जा रहा है, हटिए थोड़ा। इस सब की क्या जरूरत थी? ओलेना मैम, हमें माफी मांगनी है, हमने बेवकूफी कर दी। प्लीज प्लीज मैम, हमें माफ कर दीजिए। ये आपके लिए। तो अब मैं डाइटिंग करूं, ये चाहते हो? सॉरी, ये आपके लिए नहीं है, आपकी बिल्ली के लिए है। अगर उसे घर की जरूरत हो तो मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूँ। मैं पहले ही पेरेंट्स को पूछ चुका हूँ। हम उसे घुमाने भी ले जा सकते हैं, हमें माफ कर दीजिए, आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहते थे। ठीक है बच्चों, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मेरी बिल्ली का ध्यान रखना, भरोसा कर रही हूँ तुम पर। गुड बाय। कैसे मैम? ठीक है ना? तो मुझे क्या बिल्ली को लेके जाना होगा? कौन सी बिल्ली? तुम पागल हो गए हो क्या? अब वो अपार्टमेंट हमारा है। ओ गुड। डरेना पेत्रोवना अलेक्जेंडर एरोविच, और इनसे मिलिए, ये हैं हमारे स्कूल की नई इकोनॉमिक्स टीचर, इनका नाम कैटरीना है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने आपको इससे पहले कभी नहीं देखा यहाँ। हाँ, मैंने भी। अजीब बात है, क्योंकि टीचर्स की कम्युनिटी तो बहुत छोटी है, जहाँ सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। वो शायद इसलिए क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ। तो कौन है आप? मिस कैटरीना का कहने का मतलब है कि उनकी स्पेशलिटी यूनिवर्सिटी टीचिंग की। ओ, अच्छा, फिर तो आप काफी सारी दिलचस्प चीजें कर सकती हैं। वैसे अगर मानी नहीं है कैटरीना एनाटोलोवना, पढ़ाती भी उस तरह जिस तरह ड्राइव करती हैं, तो उनके स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। एक्सक्यूज मी। हाँ क्या निको?